हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिमिकंग ब्लॉग। इस वीडियो में मैं जितने भी लोग कतर में रह रहे हैं, हम सभी लोगों को अलदार एक्सचेंज से घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे भेजा जाता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो गाइस, पूरा डिटेल में समझने के लिए वीडियो आखिर तक देख लेना। हम सभी को पता है कतर से जो पैसा भेजा जाता था, पहला फिजिकली जो भी एक्सचेंज के जो ऑफिस में ब्रांच में जाके लंबी क्यू में लग के और टाइम जाया करके, और अभी जो कोरोना वायरस प्रिकॉशनरी मेजर को लेकर एक्सचेंज के जो सारा ब्रांच को बंद कर दिया गया है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, अभी कोई भी ब्रांच खुला नहीं है। तो इस वक्त बहुत ही यूजफुल है सभी लोगों के लिए। तो अभी इस मसले को हल करने के लिए अलदार एक्सचेंज ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एंड्रॉयड यूज़र हैं या तो एप्पल मोबाइल यूज़र हैं। उसके अलावा आप अलदार एक्सचेंज का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.aldarexchange.com से भी इस सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं पैसा भेजने के लिए। तो सिंपल सा स्टेप आपको अपनाना है, पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नए हैं, पहले आपने रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको रजिस्टर बटन को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में रजिस्टर बटन क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन में ये ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। कम्प्लीटली रिक्वायर इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो दो बॉक्स दिए हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको डिजाइन करना है आपको जो पसंदीदा यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। और उसके नेक्स्ट में आएगा केवाईसी, क्यू आईडी वेरिफिकेशन, कतारी आईडी वेरिफिकेशन होगा और ये केवाईसी में आप क्लिक करना है। केवाईसी में क्लिक करते ही आपका जो है मोबाइल कैमरा एक्टिव हो जाएगा। कतारी आईडी के साथ आपका फेस जो है कैमरा के साइड फेस करके आपने वीडियो लेना है, और वीडियो लेने के बाद आपके दो साइड का जो है आईडी का फोटो क्लिक करना है। वो वीडियो और आईडी का जो दो साइड का फोटो आपने अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा एसएमएस के जरिए आपके जो है मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले हैं। और जिन्होंने भी ऑलरेडी वेबसाइट के जरिए रजिस्टर किया है, उन लोगों के लिए सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा इस एप्लीकेशन में एक्सेस करने के लिए। और एप्लीकेशन में लॉगिन करके बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है और पैसा कैसे भेजा जाता है जो बैंक अकाउंट में या तो कैश पिकअप, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए लॉगिन करके स्क्रीन में ये दिखा देता है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखा दे रहा है इसमें से आपको क्लिक करना है। बेनिफिशियरी बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह का दिखाई देगा। एग्जिस्टिंग ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ बेनिफिशियरी डिटेल दिखा रहा है। नए बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए नीचे जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में प्लस साइन का जो है बटन दिखाई दे रहा है, तो वही बटन को क्लिक करना है। तो वो बटन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये ऑनलाइन फॉर्म इस तरह का जो है फॉर्म आ जाता है। इसमें जो है मैंने बैंक ट्रांसफ़र चूज़ किया और कंट्री सिलेक्ट किया हूँ, कंट्री मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। तो इंडिया में जो IFSC कोड से ब्रांच को लोकेट किया जाता है, बैंकों के जो ब्रांच है, तो मैंने लोकेट भी कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये ब्रांच भी दिखा रहा। और इसमें मैं अभी जो है बैंक का एड्रेस डालूंगा। बैंक का एड्रेस डालने के बाद जो है नीचे अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट नंबर फिर कंफर्म कर देना है। दोबारा अकाउंट नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही कि ये जो है फॉर्म खुलता है, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो मिडल नेम है तो डालना, नहीं तो ऐसे छोड़ दे सकते हैं। और नाम डालने के बाद बेनिफिशियरी एड्रेस, जिसको भी पैसा आप भेज रहे हैं उनका जो है रेसिडेंस एड्रेस डालना है। उसके बाद सिटी चूज करना है, और उसके बाद पिन कोड डालना है, पोस्टल कोड और पिन कोड जो भी हो। उसके बाद बेनिफिशियरी कंट्री चूज करना है, यानी कौन सा कंट्री को भेज रहे हैं आप, तो मैंने चूज किया है। और यहाँ पे आपको जो है रिलेशन क्या है ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, आपको जो भी लगता हो जिसको आप पैसे भेज रहे हैं। सबमिट कर देना उसके बाद, तो सबमिट करते ही कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बोल के आ रहा है। तो आने के बाद नेक्स्ट जो है स्क्रीन में ये दिखाई देगा। तो ये जो टॉप में दिखा रहा है, जो टॉप में आप देख रहे हैं, ये मैंने जो बेनिफिशियरी ऐड किया था और बैंक ट्रांसफ़र के लिए, तो इसमें एक्टिवेट और डिलीट बोल के ऑप्शन है, तो उसमें एक्टिवेट करना है। तो मैं एक्टिवेट बटन में क्लिक करता हूँ। एक्टिवेट बटन में क्लिक करते ही कि आपका जो है मोबाइल नंबर में 4 डिजिट का OTP आ जाता है, वन टाइम पासवर्ड, तो वो डाल के सबमिट कर देना है। बेनिफिशियरी एक्टिवेशन सक्सेसफुल बोल के आता है, तो उसके बाद फिर वापस वो स्क्रीन में चले जाता है। तो अभी एक्टिवेशन जो हो गया है उसी बेनिफिशियरी को, जैसे कि सेंड और डिलीट है, इसमें सेंड में क्लिक करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंड में क्लिक करते ही कि ये फॉर्म खुलेगा, ऊपर पर्सनल डिटेल और नीचे ट्रांसफ़र अमाउंट लिमिटेड कतरियल 10,000 बोल के लिखा है। उससे पहले तो आप करेंसी रेट क्या है ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक डाला, आज के रेट के हिसाब से इंडियन करेंसी कतारी रियल के बराबर 20 रुपये 67 पैसा रेट चल रहा है।
तो मेरे को अभी 1500 भेजने का है, तो मैंने 1500 डाला है। 1500 का जो आज के रेट के हिसाब से 31,552 होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। यहाँ पे जो सर्विस चार्ज 0 दिखा रहा है, शायद ये टाइम पे जो है फ्री ऑफ चार्ज होगा ट्रांसफ़र करने के लिए। और नीचे जो है प्रपोज ऑफ रेमिटेंस बोल के हैं, किस लिए आप पैसा भेज रहे हैं, तो वो प्रपोज डालना है यहाँ पे। उसमें आप फैमिली मेंटेनेंस एंड सेविंग बोल के ऑप्शन चूज कर सकते हैं और नेक्स्ट सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये स्क्रीन में दिखाई देगा जो क्यू पे, और इसमें ऑप्शन है कार्ड नंबर डालने का और नीचे कार्ड एक्सपायरी डेट। अभी WPS सिस्टम लगने के बाद हर किसी के पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड, जो सैलरी रिसीव होता है जो अकाउंट में। कार्ड नंबर डालना है इधर, और कार्ड नंबर डालने के बाद कार्ड एक्सपायरी डेट डालना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ये OTP बोल के आता है, तो ये OTP का जो ऑप्शन दिखा रखा है यहाँ, तो वो जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको पेमेंट कंफर्मेशन के लिए OTP भेज देगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे टाइप करके फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो कंटिन्यू में क्लिक करते कि आपको नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह दिखा देगा, इंटर योर डेबिट कार्ड पिन। तो आपका जो भी ATM जो डेबिट कार्ड है उसका जो है पिन नंबर यहाँ पे डाल के फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही कि ये स्क्रीन आता है जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। ये जो पेज में आप देख सकते हैं ग्रीन में राइट मार्क करके आया है, और ये हिस्ट्री जो है बटन को क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं जहाँ पे हम रिसिप्ट देख सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है जो रिसिप्ट बोल के, आपके जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल हो इसमें रिसिप्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो फिजिकली जाते हैं एक्सचेंज को पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो वैसे ही रिसिप्ट यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में ऑटोमेटिकली प्रिंट हुआ है। फंड ट्रांसफर हिस्ट्री में जाके आप अभी भी चेक कर सकते हैं, और इसका जो है खोने का डर भी नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप है मैं जो है कैश पिकअप के लिए कैसे बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है और फंड ट्रांसफर या पैसा भेजने का तरीका क्या है ये बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन को जो है होम पेज में जाके बेनिफिशियरी क्लिक किया और उसमें ये फॉर्म खुलने को आया है, सिलेक्ट ट्रांसफर टाइप बोल के है, तो उसमें बैंक ट्रांसफर और कैश पिकअप बोल के है, तो मैंने कैश पिकअप चूज किया क्योंकि कैश पिकअप के लिए बेनिफिशियरी ऐड करने को जा रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट में जो है कंट्री सिलेक्ट किया, मैंने नेपाल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद में नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। तो नेक्स्ट बटन को क्लिक करते ही यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम ऐड करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बेनिफिशियरी एड्रेस, और नीचे सिटी, जिप कोड, पिन कोड अगर है तो, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं। नीचे में बेनिफिशियरी कंट्री सिलेक्ट करना है, तो उसमें मैंने नेपाल को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर नेशन, और उसके बाद में नीचे रिलेशन, तो आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता क्या लगता है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ भी आपको जो भी लगता हो वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बोल के आ रहा है, उसको ओके प्रेस कर देने में यहाँ पे सीधा बेनिफिशियरी में लेके गया है। तो बेनिफिशियरी लिस्ट देख रहे हैं अभी जो ऐड किया है मैंने, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको अभी एक्टिवेट करना है, तो मैंने एक्टिवेट बटन क्लिक किया है। एक्टिवेट बटन क्लिक करने के बाद जो है अल्दार मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का जो है OTP भेजेगा, तो यहाँ पे लगा के इसको सबमिट कर देना है। बेनिफिशियरी एक्टिवेशन सक्सेसफुल बोल के आया है, और अभी मैं यहाँ पे सेंड को क्लिक करूंगा, तो सेंड को क्लिक करते ही कि यहाँ पे जो है करेस्पोंडेंस सिटी एक्सप्रेस बता रहा है जो नेपाल के लिए, और बाकी कंट्रियों के लिए अलग अलग ऑप्शन आता होगा। तो बाकी के जो है ट्रांसफर अमाउंट इज लिमिटेड टू QR 10,000 बोल के है। अभी मैं अमाउंट डालने को जाऊंगा, अमाउंट डालने के बाद जो भी है रेट और अमाउंट कितना बनता है यही दिखा दे रहा है, और यहाँ पे सर्विस चार्ज भी दिखा रहा है, नेपाल के लिए 18 रियल लगता है पर ट्रांजेक्शन। और उसके बाद में नीचे पर्पज ऑफ रेमिटेंस सेलेक्ट करना है, जो फैमिली मेंटेनेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ऑप्शन सिमिलर टू जो है बैंक ट्रांसफर में मैंने दिखाया था इसे पहला, तो वही सेम ऑप्शन आता है। यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड का जो है एक्सपायरी डेट डालना है, फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो OTP का, बैंक आपको पेमेंट कंफर्मेशन के लिए OTP भेजेगा, तो वो OTP डाल के फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में डेबिट कार्ड का जो है पिन नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है, तो उसके बाद फाइनली ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह आप लोग इजीली विद इन द 5 मिनट घर बैठे पैसा भेज सकते हैं अल्दार एक्सचेंज से। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको लाइन में खड़ा रहना नहीं है और लंबी क्यू में लगना भी नहीं है। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलता होगा। वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्दार एक्सचेंज का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और मोबाइल ऐप का लिंक, अल्दार एक्सचेंज का जो है ऑफिशियल लैंडलाइन कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ। अगर आपको हेल्प चाहिए ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं, जितने भी लोग कतर में रह रहे हैं। इस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद नहीं हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना भूले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।